हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल ए टू जेड ट्रिप पे। और आज मौका मिला है मुझे पटना जाने के लिए। काफ़ी दिनों बाद मैं पटना जा रहा हूँ। मैं मोहनिया से निकल रहा हूँ। मोहनिया से पटना जाने के लिए एक स्पेशल इंटरसिटी एक्सप्रेस चलती है, उसी को पकड़ के जाऊँगा। तो सबसे पहले मैं फटाफट घर से निकल रहा हूँ और अभी जा रहा हूँ स्टेशन पर। वेंडिंग मशीन से फर्स्ट टाइम मैंने भगवा रोड पे टिकट निकाला और काफ़ी ईजी था। वेंडिंग मशीन तो मैं ऐसे बाहर के स्टेशनों को यूज किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टाइम देखा हूँ। काफ़ी दिन से मैं भगवा रोड स्टेशन पे आया नहीं था और टिकट के लिए मारामारी हुआ है इधर काउंटर के लिए, लेकिन वेंडिंग मशीन लग गया है। और टिकट आप चाहे तो वाया पेटीएम या फिर किसी भी UPI ऐप से आप उसको पे करके आप कहीं का भी भगवा रोड से किसी भी स्टेशन के लिए टिकट ले सकते हैं। तो मैंने टिकट निकाल लिया है 45 रुपीज़ का और ट्रेन भी लगी हुई है, तो फटाफट चलते हैं। ट्रेन में बोर्ड होते हैं क्योंकि टाइम भी हो रही है। सीट एकदम लास्ट बोगी में मिली हुई है, काफ़ी भीड़ है ट्रेन में। ट्रेन जो है वो भगवा रोड से डिपार्ट कर ली है और अपने राइट टाइम से डिपार्ट किया है 11 बजे के बीच में। ट्रेन में काफ़ी भीड़ भी हो गई है। हम लोग पहुंच गए हैं सासाराम और ये ट्रेन जो है यहीं से अपना रूट चेंज कर लेती है। यहाँ से दो रूट हो जाते हैं, एक आरा होकर पटना जाएगी और एक जो है गया होकर पटना जाएगी। तो ये ट्रेन जो है वो आरा होकर पटना जाएगी। ये जा रही है सबसे लास्ट वाले प्लेटफॉर्म पे और इस साइड है भाई। तो कुछ ऐसा सिचुएशन है, पिछले आधे घंटे से वो ट्रेन है
पूरी साइकिल बनी हुई है और आपको दिखाई दिया कि जो इसकी स्पीड है मैक्सिमम स्पीड 30-32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। विक्रमगंज पहुँचे हैं और 5 मिनट का स्टॉपेज था और स्टॉपेज के बाद गाड़ी यहाँ से खुल चुकी है और भीड़ यहाँ भी उतना ही है। मतलब क्या होता है, आवाज गजब हो रही है फाइनली अब जाके ट्रेन चली है और राहत मिली है क्योंकि गर्मी बहुत है और आराम से हम भी यहाँ पे नीमकी वगैरह खा लिए क्योंकि नीमकी जो है यहाँ पे काफ़ी फेमस है और जब भी आरा साइड से जाता हूँ मैं तो वो लेके खा ही लेता हूँ। अब यहाँ से जाएगी बेटा और बेटा के बाद सुल्तानापुर पटना।
these times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. फाइनली मैं आ गया हूँ अपने दीदी के फ्लैट पे, और अब जाऊँगा थोड़ा फ्रेश फ्रेश होऊँगा क्योंकि काफ़ी गर्मी लग रही थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और खूबसूरत ब्लॉग आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये देखो, हमको पता ही नहीं था कि ये है। नहीं तो मेरे लिए गिफ्ट लेके आते हो, बड़ा था। पता नहीं ये कहाँ से आके पक्की है। चलो चलो।